तो यार जैसे कि आपको मालूम है कि ये वाला चैनल जो है धर्मजी डीपी वाला, जहाँ पे हम अपने रूटीन के वीडियो लेके आएंगे, रूटीन में हम क्या करते हैं कैसे करते हैं, तो जो जो भी हम काम करते हैं जहाँ जो भी हमारी लाइफ में इंजॉयबल होगा, जो भी बात होगी वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आज की कुछ बात ऐसी है कि घर का तो मैं नहीं बता पाया, लेकिन अभी स्टूडियो पहुंचा, स्टूडियो में आके मैंने अभी स्टूडियो ओपन कर लिया है। जैसे कि आप मेरे स्टूडियो का व्यू देख रहे हो, तो मैं स्टूडियो में आया हूं। तो बस चलो बाकी टॉक करते हैं हम थोड़ी बाद में, पहले थोड़ी स्टूडियो की सफाई कर ली जाए, क्योंकि सफाई रूटीन में आपको पता ही करनी होती है स्टूडियो में। तो चलो पहले करते हैं हम स्टूडियो की सफाई, उसके बाद करता हूँ आपसे बात। चलो भाई सफाई तो डन हो गई, अब चलो कर लेते हैं अगला काम। तो चलो चलते हैं अगले काम के लिए। सफाई डन हो गया है तो झाड़ू को रख देते हैं। तो बस क्या करना है कि जो पीछे वाले कमरे की लाइट्स है वो कर देते हैं बंद, क्योंकि लाइट्स ज़्यादा नहीं जलानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल बन जाता है, बिल नहीं दिया था, और दिन है जो वो भी बहुत ख़राब चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि पैसे नहीं आ रहे, काम ही नहीं है दुकान पे, क्या करेंगे, पैसे नहीं आ रहे तो फिर है ही है ना। तो यार चलो फटाफट से कर लेते हैं पूजा, और अगरबत्ती धूपबत्ती करके भगवान को मना लेते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या टाक करनी है। तो चलो पहले भगवान को मनाते हैं। तो बस दोस्तों जहाँ से हो जाती है हमारी जो दिनचर्या की शुरुआत है दुकान की, और हमारे स्टूडियो की जो भी बात है वो सारी की सारी जहाँ से शुरू हो जाती है, और फिर आगे शाम तक कुछ ना कुछ नया पुराना होता रहता है। लेकिन स्पेशल कुछ होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा अगले किसी वीडियो में, ब्लॉग में। तब तक के लिए चलो ठीक है, मिलता हूँ अगले किसी ब्लॉग के साथ। आपने देख लिया कि रूटीन में कैसे होता है, आपके साथ भी होता है, लेकिन ये कुछ नया नहीं था, लेकिन मैंने इसको फिल्माया है अपने ऊपर। चलो ठीक है, अगर आपको बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग आपको मिलने वाले हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में।